गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जैसे कि अपन क्लास इलेवेंथ में चैप्टर 3 पीरियडिक टेबल पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी वो जो पढ़ रहे थे, जिसमें से मैंने बहुत सारी चीज आपको बता दिया बेटा। तो आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं वो है संयोजकता। संयोजकता और ये तो वेरी मोस्ट टाइम भी है बेटा, वेरी मोस्ट टाइम भी संयोजकता। क्योंकि देखो मैंने बोला ना, हमसे जितने जुड़े हैं बच्चे वो ग्यारहवीं के दृष्टि से मत पढ़िए बेटा। अगर ग्यारहवीं का फाउंडेशन अपना मजबूत करो, ग्यारहवीं का बेस मजबूत करो, तब आपको फिर बारहवीं पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। इसलिए बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये बैठा रहता है, यार लॉकडाउन है, ये है वो है। नहीं बेटा नहीं, कभी डिग्री के लिए नहीं। एक सीधी सी बात है, मैंने बोला पहला सीढ़ी आपने चढ़ा ही नहीं, आपको मैं बोला हूं सीधा पांचवा सीढ़ी में चढ़ो तो आपको दिक्कत जाएगी चढ़ने में। इसलिए ग्यारहवीं का बेस बहुत जरूरी है और अपना टारगेट नीट और JEE के लिए करो, ठीक है। तो व्हाट इज बैलेंसी, इसको बैलेंसी बोलते हैं, संयोजकता मतलब बैलेंसी। तो पहला परिभाषा यह बोला गया है, इसको लेके आप बोल सकते हो कि किसी भी यौगिक में कंपाउंड में सेंटर एटम मतलब ये जो है उसको हम लोग केंद्रीय परमाणु बोलते हैं, केंद्रीय परमाणु। और ये जो है एक संयोजी परमाणु, एक संयोजी, खासकर एक संयोजी में ना। तो संयोजकता का आपका परिभाषा ये हुआ बेटा कि किसी भी कंपाउंड में सेंटर एटम से जितने मोनोवैलेंट एक संयोजी यौगिक, एक संयोजी परमाणु जुड़े होते हैं जितने, उसको उसकी बैलेंसी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कार्बन CH4 में कार्बन की बैलेंसी 4, क्योंकि कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जोड़ा हुआ है। तो फास्फोरस PCl5 इस टाइप में ना, फास्फोरस PCl5 में फास्फोरस की वैलेंसी। तो आप देखो मैंने पहला परिभाषा बताया और बहुत इजी तरीके से बता दिया कि किसी भी कंपाउंड में सेंटर एटम, जैसे मान लो मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूं और मेरे पास 20 बच्चे हैं, तो वो 20 बच्चे मेरे से केंद्रित है, तो उन 20 बच्चों का सेंटर एटम मैं हूं और मेरे पास जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो मेरी बैलेंसी है, वो मेरी संयोजकता है। तो किसी भी कंपाउंड के सेंटर एटम से जितने एक संयोजी परमाणु जुड़े होते हैं उसे कहते हैं उस केंद्रीय परमाणु की संयोजकता। अब PCl5 में फास्फोरस की संयोजकता, फास्फोरस की संयोजकता बेटा कितनी, 5, ठीक है। NS3 में नाइट्रोजन की संयोजकता, NS3 में नाइट्रोजन की संयोजकता, तो नाइट्रोजन की संयोजकता 3 सर, नाइट्रोजन की संयोजकता 3। फिर पेपर में दिया SF6 में सल्फर की संयोजकता, सल्फर की संयोजकता, तो सल्फर की संयोजकता ये कितनी हो गई सर, 6, क्लियर। इसके अतिरिक्त क्योंकि आपके जीवन का सबसे बड़ा बेस है संयोजकता, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आप वैलेंसी को एकदम अच्छे से बार बार मजबूती से पढ़ो। अब मैं एक और फॉर्मूला बता रहा हूं, ये तो कंपाउंड का था, कंपाउंड में वैलेंसी का परिभाषा, किसी भी कंपाउंड में सेंटर एटम से जितने मोनोवैलेंट एटम जुड़े होते हैं, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम इज कॉल्ड बैलेंसी। अब अगर मान लो मेरी रूम खाली है तो कैसे पता चलेगा मेरी बैलेंसी कितनी है, रूम खाली है बच्चे है ही नहीं है। तो उसके लिए एक तरीका बता रहा हूं, आप किसी को भी ऐसा तोड़ना 2, 8, 8, 18, 18, ऐसा हमारी केमिस्ट्री में हर एक एटम को परमाणु क्रमांक को तोड़ा जाता है। अगर उसके आउटर मोस्ट सेल में 4 तक है तो वही उसकी संयोजकता कहलाती है। अगर आउटर मोस्ट सेल में 4 से अगर ज्यादा है तो 8 में घटा देना उसको, तो वो उसकी संयोजकता कहलाती है।
ये दो तो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छा फार्मूला सिखाया। अब एग्जांपल में बता दीजिए सर, मैंने सोडियम बोला 11, तो सोडियम 11 को बेटा तोड़ो तो आंसर 281। तो मैंने ये दो तो फार्मूला लिखा हुआ है, आउटर मोस्ट में अगर 4 तक है तो वही अंक उसकी सर्जकता होती है, मतलब सोडियम की सर्जकता कितनी होगी 1। सोडियम की सर्जकता 1, क्योंकि 4 तक वही अंक उसकी सर्जकता। मान लो मैंने कैल्शियम 20 को दिया, मैंने तोड़ा 2, 8, 8 और 2, 2, 8, 10, 10, 18, 2, 20। सर आउटर में 2 है तो सर इसकी सर्जकता कितनी हो गई 2। सिलिकॉन 14, तो जब मैंने इसको तोड़ा तो ये टूटा 2, 8 और 4, मैंने आपको लिखा है 4 तक, तो ये हो गया सिलिकॉन की सर्जकता, इसकी सर्जकता हो गई 4। ठीक है, सर्जकता कभी प्लस माइनस में इंडिकेट नहीं करना, सर्जकता को कभी प्लस माइनस में इंडिकेट नहीं करना, वो केवल 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है प्लस माइनस में, आज मैं वो भी पढ़ाऊंगा। अब सर उसके बाद और बता दीजिए, मैंने नाइट्रोजन को लिया, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितने 7, ठीक बेटा, मैंने इसको तोड़ा 2 और 5। सर ये तो सेकेंड नंबर वाला फॉर्मूला यूज होगा, 4 से ज्यादा, तो मैंने 8 माइनस 5 किया बराबर 3, मतलब नाइट्रोजन की सर्जकता 3। या तो आप शॉर्टकट में ऐसा बोल सकते हो, अगर 4 से ज्यादा है तो जो 8 में कम पड़ रहा है वो उसकी सर्जकता। अगर फॉर्मूला का उपयोग ना करके ऐसी अपने जनरल नॉलेज अपनी बुद्धि में बैठा ले, तो अगर आउटर मोस्ट में अगर 4 से ज्यादा है तो जो 8 में कम हो रहा है वो उसकी सर्जकता। देखो जैसे कि मेरे को दिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 8 की सर्जकता कितनी होगी सर, मैंने तोड़ा 2 और 6, तो सीधी सी बात फार्मूला नहीं लगाते, 6 है मतलब 8 में कमी कितनी है 2, मतलब उसकी सर्जकता 2। तो फार्मूला के बेस पर मैं लेता हूं तो आंसर आएगा, ये मैंने 6 किया तो आंसर आया 2। क्लोरीन 17 मैंने तोड़ा 2, 8 और 7, आउटर मोस्ट में 4 से ज्यादा है बेटा, तो मैंने इसको फॉर्मूला लगाया 8 माइनस 7 बराबर 1, तो ये उसकी सर्जकता हो गई। और आप लोगों को जीवन भर जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक आप तब आपको सर्जकता की आवश्यकता होगी। तो सर्जकता देखो, कार्बन की सर्जकता परमाणु क्रमांक बताइए सर, 6, 2 और 4, सर ने सिखाए हमको 4 अगर है तो वही उसकी सर्जकता, कार्बन की सर्जकता 4, तभी तो CH4 बनता है। अब बहुत से बच्चे सर्जकता को मजाक में ले लेते हैं, सर्जकता क्या, सिंपल सी बात है, अगर मेरी मान लो मेरी कोचिंग 50 बच्चों की बैठने की सीट है तो क्या मैं 100 को बैठा सकता हूं, नहीं, क्योंकि मेरी क्षमता, मेरी कोचिंग की क्षमता 50, तो मैंने उससे ज्यादा को बैठा नहीं सकता। जैसे सोडियम की सर्जकता 1, तो उसके साथ हमेशा एक ही एटम जुड़ेगा, उससे ज्यादा एटम नहीं जुड़ सकता, मतलब सर्जकता के बेस पर वो रिएक्शन करता है। जैसे कैल्शियम की सर्जकता आपने बोला 2, तभी तो हमारी केमिस्ट्री में CaCl2 बनता है। एल्युमिनियम की सर्जकता कितनी 3, तभी तो हमारी केमिस्ट्री में AlCl3 बनता है। कार्बन की सर्जकता कितनी 4, तभी तो केमिस्ट्री में CH4 बनता है। तो सर्जकता बहुत मायने रखता है बेटा, ठीक है। ये था मैंने आपको पढ़ाया सर्जकता के बारे में। फिर मैं अगला टॉपिक ले रहा हूं, ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगला है मेरा ऑक्सीकरण, हो गया ऑक्सीकरण अंक, अगला टॉपिक मेरा ऑक्सीडेशन अंक। तो ऑक्सीकरण अंक का मतलब होता है, एक चीज याद रखना बच्चों, कि कोई भी एलिमेंट जो हमारी केमिस्ट्री बना हुआ है, ये पूरे अपने स्टेप को पूरा करने के लिए हमारी केमिस्ट्री बना है। जैसे हम लोग क्यों इतने मर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपनी पूर्ति करने के लिए कि हमारी पेट भर जाए, तो उसी तरह हमारी केमिस्ट्री के जितने भी एलिमेंट्स हैं सब एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं या इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं।
तो डोनेट करने वाला प्लस कहलाता है, प्लस आवेश, और गेन करने वाला माइनस आवेश। सपोज मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, आठ से ज्यादा है, मेरा आउटर मोस्ट में आठ हो गया लेकिन एक और है, तो मैंने किसी एक ऐसे आदमी को दे दिया जिसके आउटर में छह या सात है, तो मेरे में प्लस वन हो जाएगा और उसके में माइनस वन, और ऑक्सीकरण अंक प्लस और माइनस में होता है। तो मेरा अब दूसरा टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर। तब इसका परिभाषा, किसी भी परमाणु के ऊपर या किसी भी परमाणु में उपस्थित उसका आवेश, किसी भी परमाणु में उपस्थित उसका आवेश उस परमाणु का क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अंक। बहुत इजी, जैसे मान लो सपोज दिया सोडियम प्लस वन, सोडियम को ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन, उसने प्लस तो कर दिया है लेकिन हम आपको सिखाएंगे कैसे आता है। किसी भी परमाणु के ऊपर उपस्थित आवेश, ये उसका आवेश है, किसी भी परमाणु के ऊपर उपस्थित आवेश उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। मान लो दिया नाइट्रोजन माइनस थ्री, तो नाइट्रोजन को ऑक्सीडेशन नंबर माइनस थ्री। मान लो अपने को दिया फ्लोरीन माइनस वन, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन। तो दोनों का परिभाषा को आप ध्यान से सुनना, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, किसी भी एटम्स के ऊपर पॉजिटिव नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। अगर आप बच्चों को इसके बाद हमारे केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग में फिलहाल दो टॉपिक है, सहसंयोजी बंध, मतलब दोनों आइटम्स इलेक्ट्रॉन को बीच में रखते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता, आयोनिक कंपाउंड का ही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे NaCl, NaCl, Na में प्लस वन, Cl में माइनस वन, इसमें ऑक्सीडेशन, Cl2 में ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता बेटा, क्योंकि दोनों Cl ने इलेक्ट्रॉन को बीच में रखा है। ऑक्सीडेशन नंबर तब आएगा जब कोई एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, ठीक है। अब एक चीज मैं आज आप लोगों को केमिस्ट्री का एक ऐसा चीज बताने जा रहा हूं जो आप सिलेबस तो छोड़ दो, ये दो चीज जो आज मैंने बताया सब्जेक्ट और ऑक्सीकरण, ये आपकी बेस है, मजबूती देगा आपको। तो फर्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका, आउटर मोस्ट सेल में चार तक अगर है तो वो प्लस में इंडिकेट होगा, मैंने इसको एक्स माना तो उसका आंसर प्लस एक्स। ऑक्सीडेशन नंबर अगर आउटर मोस्ट सेल में चार से अगर ज्यादा है तब एक्स माइनस आठ करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। अब हम सिखाते हैं, हमने बोला सोडियम कुछ भी मैंने नहीं दिया उसके ऊपर, केवल मैंने Na बस किया हुआ है, सोडियम ऑक्सीडेशन नंबर हम बताते हैं। प्लस माइनस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, बहुत सारे बच्चे पास होना है, नहीं बेटा, हमको पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, हमको नॉलेज चाहिए, ठीक है। सोडियम 11 हमने तोड़ा 281, सर ने एक मंत्र बना के रखे हुए हैं, आउटर मोस्ट में चार तक है वो प्लस, तो सर एक है मतलब सोडियम ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन, क्लियर बेटा। हमने कैल्शियम दिया 20, मैंने तोड़ा 28882, मतलब आउटर में दो है मतलब उसको ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू। मैंने नाइट्रोजन 7 दिया, मैंने तोड़ा 2 और 5, मतलब अब आपको फॉर्मूला 1 फॉर्मूला 2, तो नाइट्रोजन में फॉर्मूला 2 काम आएगा क्योंकि 4 से अगर ज्यादा है आउटर मोस्ट में तो फॉर्मूला 2, तब मैंने 8 माइनस 5 किया, ठीक है, सॉरी मैंने 5 माइनस 8 किया तो आंसर -3। मैंने क्लोरीन 17 लिया 287, फॉर्मूला लगा 2, मतलब 7 माइनस 8 इज इक्वल टू -1। मैंने ऑक्सीजन तो मैंने नहीं लिया है, ले लेता हूं ऑक्सीजन 8, मैंने तोड़ा 2 और 6, मैं इस फॉर्मूला में जाऊंगा 6 माइनस 8 इज इक्वल टू -2।
तो इस प्रकार मेरे प्रिय विद्यार्थी, आपको किस एलिमेंट्स के ऊपर कितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं और कितने नेगेटिव चार्ज होते हैं, ये नॉलेज आपको बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, तो आज मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा, कोई टेंशन नहीं, हम आराम से पढ़ेंगे सर। ठीक है, हड़बड़ा के सिलेबस वाली वाली बात नहीं है सर, हमको नॉलेज दीजिए, हमको JEE नीट की तैयारी करना है। ठीक है बेटा, तो नामदेव सर आज यही विदा ले रहे हैं, गुड डे बेटा।